हुए सारा घोटाले की कुंजियां सारे कार्यकर्ता बंधु के हाथ में है। ऐसा ना हो कि कहीं ना कहीं बीच में आपके साथ कुछ उलटफेर हो जाए, ये भी संभावना बनी है। आपके आलाल दलाल जो भी है उन तक बात जरूर पहुंचाए, ये ऐसी संभावना हो सकती है भूपेश जी। इसीलिए मैं अपनी चंद पंक्तियां को सुनाते हुए अपनी जो वाणी को बोला, इन्हीं सब बातों को छोड़कर आपसे एक बार पुनः आग्रह करते हैं कि आप ये सब भ्रष्टाचार को छोड़े और चंद महीनों की जो नौकरी बची है उनको बढ़िया से गुजर पोषण करके जाए। चूंकि 21 साल से यहाँ पर SIS अपना गार्ड दे रही है और सैनिटाइजेशन का काम कर रही है, तो बगैर टेंडर का आपने किस तरीके से किया, उनका शेड्यूल क्या है, कितने लोग काम करते हैं, सारा चीज पर हम लोगों को ये चाहिए था उसको ब्लैकलिस्ट करने का। तो उन्होंने कहा कि हम SIS को कल चिट्ठी इशू करते हैं, उसके बाद गलत होगा तो हम ब्लैकलिस्टेड करेंगे। तो मैं जानता हूं कि निश्चित रूप से वो गलत है और ब्लैकलिस्टेड होंगे, उस पर उन्होंने सहमति दे दी। तीसरी बात है कि यहां पर टेंडर की एक प्रक्रिया है जिसमें डायरेक्टर को अधिकार है 25 लाख तक का टेंडर डायरेक्टर देने का, तो 1 करोड़ का सामान को 4 बार 4 पार्ट में करके ये अपने चुने गिने चुने लोगों को टेंडर दिया करते थे अंदर खाने, तो उस पर हम लोगों ने बात रखी है कि यहाँ के स्थानीय लोगों को भी उस तरह का टेंडर दिया जाए। तो उन्होंने कहा है कि उस तरह के लोग आएंगे तो मैं उन्हें को दूंगा। तो इस तरह से हम लोगों को पूरा आश्वासन आज मिला है, लेकिन हम इससे पूरे आश्वस्त नहीं हैं, इसलिए आज हमने अपने जो अनिश्चितकालीन धरने का कार्यक्रम था उसको स्थगित किया है। अगर ये जो आश्वासन दिए हैं कल चिट्ठी नहीं निकलेगा और बाद में मुकर जाएंगे किसी बात से, तो हम स्वतंत्र हैं उग्र आंदोलन करने के लिए।